गोवर्धन में ब्रज प्रेस क्लब के द्वारा क्षेत्र के सभी पत्रकारों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। साथ ही लॉकडाउन के समय में पत्रकारों द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर उनका सम्मान भी किया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ महायुद्ध में जनता की सेवा करने वाले योद्धाओं के लिए एक ओर जहां तमाम सामाजिक संस्थाएं और सरकारी विभाग पुलिस कर्मियों और डॉक्टरों के लिए मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर जैसे सुरक्षा उपकरण वितरण किए जा रहे हैं, जिससे कि वो सुरक्षित ढंग से अपने आप को स्वस्थ रखते हुए समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकें। वहीं दूसरी ओर इस जंग में बराबर की भागीदारी निभा रहे देश के चौथे स्तंभ के पत्रकारों को अभी तक ऐसी कोई भी सुविधा ना तो जिला प्रशासन और ना ही स्वास्थ्य विभाग और ना ही किसी सामाजिक संस्था के द्वारा और ना ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। क्या उनकी नज़र में केवल डॉक्टर और पुलिस ही जनता की सेवा में जुटे हैं? क्या पत्रकार अपनी जान पर खेलकर खबरों को जनता तक पहुंचाने के बाद भी इनकी नज़र में समाज की सेवा करने वाले लोगों की श्रेणी में नहीं आते? ऐसी ही तमाम सामाजिक संस्थाओं और सरकारी विभागों की उदासीनता के बाद गोवर्धन ब्रज प्रेस क्लब ऐसे समय में आगे आकर अपने पत्रकार साथियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की मुहिम में जुटा हुआ है, जिसकी सभी पत्रकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही तमाम जनप्रतिनिधियों और सरकारी विभागों के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ ऐसे विकट समय में पत्रकार अपनी जान हथेली पर लेकर डॉक्टर और पुलिस के कदम से कदम मिलाकर अपनी सेवाएं जनता को दे रहे हैं, बावजूद इसके पत्रकारों के हित में कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता। क्या केवल अपने चेहरे को चमकाने के लिए तमाम वायदे और घोषणाएं की जाती हैं, जबकि धरातल पर इनका कोई भी स्वरूप देखने को नहीं मिलता है? इस मौके पर गोवर्धन, राधाकुंड, जतिपुरा, आडिंग आदि क्षेत्रों के अधिकांश पत्रकार उपस्थित रहे। जी, आज प्रेस क्लब की तरफ से आपकी तरफ से यहाँ पर ये पत्रकार भाइयों के लिए मास्क एवं सैनिटाइजर किट बांटी गई है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? कोरोना वायरस को देखते हुए पत्रकारों के लिए सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स बांटे गए गोवर्धन प्रेस क्लब की ओर से। जैसा कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो घोषणा हुई है उसका कोई अभी तक तो कुछ आया नहीं है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जो एक एक लाख रुपए जनप्रतिनिधियों ने दिए है, कहाँ गई वो धनराशि? क्या कोई एक्शन लोगे आप? उसकी कोई जानकारी नहीं हुई है किसी को, पत्रकार को कहाँ मिला है कहाँ नहीं मिला? नहीं तो तमाम समाज सेवी संस्थाएं पुलिस को, डॉक्टर्स को सैनिटाइजर और ये सब किट बांट रही हैं, क्या ऐसे में उनको नहीं लगता कि पत्रकारों को भी इसमें सम्मिलित कर उनको भी ये सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए हमने अपनी तरफ से ही गोवर्धन प्रेस क्लब की ओर से। तो ये तो पत्रकारों के द्वारा किया जा रहा है, क्या समाज सेवियों को और ऐसी सरकारी संस्थाओं को ये सामने आना चाहिए, उनको भी बांटना चाहिए? पर सर क्या नाम है? मनोज शर्मा। जैसा कि गोवर्धन क्षेत्र में तमाम समाज सेवी संस्थाओं द्वारा डॉक्टर्स के लिए और पुलिस वालों के लिए सहायता दी जा रही है, मास्क बांटे जा रहे हैं, ग्लव्स बांटे जा रहे हैं, वहीं देखा जा रहा है कि पत्रकारों के लिए ऐसी कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? लगता है हमारे जनप्रतिनिधि और ये सारे सोए हुए हैं, इनको लग रहा है पत्रकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर अभी इन्हें किसी सड़क का उद्घाटन करना हो या कहीं हो तो एक मिनट में फोन कर देंगे, सब पत्रकारों को इकट्ठा कर लेंगे, मगर जहां पत्रकारों की मदद की जरूरत पड़ती है वहां ये लोग एकदम ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे ये है ही नहीं। माननीय विधायक कारिंदा सिंह जी को 1,00,000 रुपए फुनाया, उन्होंने डोनेट करे, वो मथुरा करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? जब वो गोवर्धन से विधायक है तो उन्हें गोवर्धन में पैसा देना चाहिए था, एटीएम के थ्रू बटवाना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है सब डकोफलेबाजी, कोई कुछ नहीं कर रहा, अपनी निधि से काम कर रहे हैं, अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करने की कोशिश नहीं, जबकि ये समर्थ है। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो गोवर्धन क्षेत्र के पत्रकारों को पत्रकार ही ना समझते हो? हाँ बिल्कुल यही बात है, वो गोवर्धन क्षेत्र के पत्रकारों को पत्रकार नहीं समझते, उनके लिए तो मथुरा में ही पत्रकार हैं और वही उन्हें देखेंगे, हम भी देखेंगे उन्हें आगे से। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? विधायक जी, अब जो भी काम आप करें हमें किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मथुरा से ही आप अपने पत्रकारों को बुला लेना, वही आपकी सारी कवरेज करेंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि गोवर्धन क्षेत्र में तमाम समाज सेवी संस्थाओं ने और सरकार की तरफ से डॉक्टर्स के लिए, पुलिस वालों के लिए सैनिटाइज और मास्क की व्यवस्था की गई है, और वहीं पत्रकार भी इसमें अपना बराबर सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी व्यवस्था किसी भी संस्था की तरफ से नहीं की गई है, क्या कहना चाहेंगे इसलिए? बिल्कुल, मैं डीडी शर्मा गोवर्धन प्रेस क्लब से उपाध्यक्ष हूँ और आपके जरिए से ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पुलिस, डॉक्टर, नर्सेज सभी पूरी तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, फील्ड में उतरे हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे पत्रकार भाइयों की टीम पूरे पूरे दिन
खबरों को कवर कर रही है, मैदान में उतर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से वायदे किए गए कि फलाना विधायक ने 1 लाख दिया, उस मंत्री ने 1.5 लाख दिया और समाज सेवी ने 2 लाख दिए। लेकिन अगर मैं धरातल पे बात करूं तो केवल बात सब हवा हवाई है। धरातल पर अभी तक पत्रकार बंधुओं के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। आज हमारे प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं परीक्षित कौशिक जी, जिन्होंने अपने जरिए से हमारे पत्रकार भाइयों का ये सैनिटाइज किट और मास्क बांटे हैं। जैसा कि लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने अपने क्षेत्र के पत्रकारों के लिए सैनिटाइज और ये किट बांटी हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कराई गई है विधायक निधि से, तो क्या नहीं लगता कि हमारे गोवर्धन क्षेत्र के विधायकों को भी ऐसा कार्य करना चाहिए? बिल्कुल, 2 दिन पहले हवा भी आई थी कि ठाकुर कारिंदा सिंह ने पत्रकारों के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, लेकिन पता नहीं कहां गई वो धनराशि। अभी पत्रकारों के पास तो कहीं आई नहीं, पत्रकारों के पास तो अभी तक 10 रुपए का ग्लव्स, एक मास्क भी नहीं आया। अब कौन मंत्री कहां दे रहा है, किसको दे रहा है, या केवल अखबारों में ही छपवा के अपनी अपनी वाही वाही लूट रहे, तो क्या कह सकते हैं ये सुर्खियां पाने का ये छोटा सा बिल्कुल सीधा सीधा कि अभी तक जब पत्रकारों के पास कुछ ऐसी सुविधा आई ही नहीं, पत्रकार अपने पैसे से, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी जो अपने पैसे से हमारे लिए ये किट बांट रहे हैं, जब तक राजनीतिक लोगों का अभी तक हमारे पत्रकार भाइयों के लिए 1 रुपए का भी कोई सहयोग नहीं है, जबकि हम पूरे दिन खबरें दिखा रहे हैं, हम भी इस मैदान में पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, निधि से आ रहा है लेकिन पता नहीं जा कहां रहा है। अभी तक पत्रकारों के पास समाज सेवियों का या कह सकते हैं कि राजनीतिक हस्तियों का 1 पैसे का कोई भी सहयोग नहीं मिला। पत्रकार गोवर्धन प्रेस क्लब की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर किट बांटी गई, इसमें क्या कुछ होगी? देखिए कि इस कोरोना महामारी में हमारे पत्रकार साथी योद्धाओं की तरह समाज में लड़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से डॉक्टर और पुलिस अपना काम कर रहे हैं, वैसे ही उसी प्रकार से हमारे पत्रकार साथी जान पर खेलकर पत्रकारिता कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर देखते हुए हमारे गोवर्धन प्रेस क्लब के अध्यक्ष परीक्षित कौशिक जी के द्वारा सभी पत्रकार साथियों को ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्कों का वितरण किया गया है, ताकि वो भी सुरक्षित रहे पत्रकार बन। 2 दिन पूर्व से ग्रुप ओवर बहुत जोर से वायरल हो रहा है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा और जैसे चेक बांटे गए पत्रकारों के लिए सैनिटाइजर और मास्क की लेकर, लेकिन उसको लेकर अगर बात करें तो अभी तक पत्रकारों को कुछ नहीं मिला। देखिए ये सब मुझे लग रहा है कि अभी तक हवाई दावे हैं, धरातल पर वो नहीं उतरे हैं। ये हमारे व्यक्तिगत प्रेस क्लब की तरफ से बांटे गए, अगर कोई नेता के द्वारा अगर बांटे जाते तो अब तक हम तो उपलब्ध होते, वो केवल हवाई बातें करते हैं, अपना लेटर पैड जारी कर दिया और पत्रकारों को घबरा कर दिया। पत्रकारों को उसको लाभ मिलना चाहिए, नहीं तो फील्ड में जाके पत्रकार भी अपना बखूबी काम कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी डॉक्टर्स और पुलिस वाले कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में इन समाज सेवियों का, इन सामाजिक संस्थाओं का और इन सरकारी महकमों का ये फर्ज नहीं बनता कि पत्रकारों को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के लिए मैं आग्रह करता हूं कि जो हमारे गोवर्धन क्षेत्र के पत्रकार बंधु हैं, इनके लिए जो समाज सेवी, उद्योगपति व अन्य जनप्रतिनिधि, यदि इनके लिए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था करें तो ये भी आपको और अधिकता से पत्रकारिता अपनी दिखा पाएंगे इनके लिए।